पता चले कि मैं वाकई क्लास से बात कर रहा हूँ, खुद से नहीं। जी लास्ट टाइम जो मैंने थोड़ा बहुत हंटिंग का बताया था, माइक्रो पीयर रैपिड लॉन्च ठीक है, और उसके अलावा हमारी डिस्कशन हुई थी हंटिंग से रिलेटेड, वो समझ आई आप सबको? बस ये करें कि वो जो मतलब डिस्क्रिप्शन थी वो एकदम ग्रुप में शेयर कर दी ताकि हम सारे वो पढ़ लें। हाँ वो मैं साथ साथ शेयर कर दूँगा, इस वजह से मैं साथ कह रहा था आप लोगों को भी ओके नोट्स भी बनाए, क्योंकि मैंने अभी स्लाइड्स बनाई नहीं है, इसकी स्लाइड्स बनानी थी कुछ रैपिड लॉन्च माइक्रो पीएल की, इसकी स्लाइड्स मेरे पास नहीं, स्लाइड्स मैं बनाऊंगा और फिर आप लोगों को सेंड करूँगा ठीक है। कुछ और भी चीज़ें जो आज हम डिस्कस करेंगे इनसे रिलेटेड भी हैं, तो स्लाइड में आप लोगों को शेयर कर दूंगा, लेकिन बेहतर है ये आप लोग अपने हैंड रिटन नोट्स भी बनाएं, वो ज़्यादा काम आएंगे। खैर हमारी बात हुई थी लास्ट टाइम माइक्रो पीएल की, रैपिड लॉन्च की ठीक है, वो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी, और मैंने ये भी बताया था कि अभी कुछ चीज़ें हमारी रहती हैं लाइक गेटेड प्रोडक्ट्स रहते हैं, गेटेड कैटेगरीज रहती हैं, कुछ और टर्म्स एंड कंडीशन हैं जो हम हंटिंग जिनके अकॉर्डिंग हम हंटिंग करते हैं। उसमें ये होता है कि हमें मार्केट को देखना पड़ता है कि मार्केट कैसी है, प्रोडक्ट को देखना पड़ता है कि प्रोडक्ट कैसा है, ये सारी चीज़ें हम थोड़े आज डिटेल में डिस्कस करेंगे, और अगर टाइम हुआ तो आज क्राइटेरिया करेंगे, टाइम ना हुआ तो कल क्राइटेरिया ठीक है। जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट हंट करते हैं, कॉमन बातें हैं गौर से सुनिएगा, जब भी हमने कोई प्रोडक्ट हंट करना है हमने सबसे पहले क्या देखना है, अपने इन्वेस्टमेंट देखनी है, अपनी जेब का साइज देखना है कि हमारे पास कितनी इन्वेस्टमेंट है, हम उस इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट हंट करेंगे। लाइक हम सिर्फ ये देख के नहीं हंट करेंगे प्रोडक्ट के, इसमें फ़ायदा हमें ज़्यादा हो रहा है तो ठीक है हम ये प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, इसमें क्यों, क्योंकि इसमें फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है, नहीं हम अपनी इन्वेस्टमेंट भी देखेंगे कि हम जो प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं उस प्रोडक्ट में हमें, अगर वो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उस प्रोडक्ट में हमें नाम अर्न करने में कितना टाइम लगेगा, कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, कितनी ब्लीडिंग करनी पड़ेगी, ब्लीडिंग से मुराद कितना पैसा एडवर्टाइजमेंट पर लगाना पड़ेगा ठीक है, ये चीज़ किस पे आती है इन्वेस्टमेंट पे। उसके बाद फिर हमें उस प्रोडक्ट की सोर्सिंग करवानी है, सोर्सिंग पे कितना पैसा लगेगा, अभी हंटेड प्रोडक्ट है मार्केट में आपने देखा कि प्रोडक्ट अलग क्वालिटी का बिक रहा है, आप आके लो क्वालिटी का बेच दो मार्केट में आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, फ्लॉप हो जाएगा, तो आपको स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट लॉन्च करना है या उससे अपग्रेड लेवल का, उसके लिए इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी होनी चाहिए। तो जब भी हम लोगों ने करना है कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च, इन्वेस्टमेंट मस्ट है। और उसके बाद मैंने एक लंबी चौड़ी कहानी सुनाई थी, जब मैं प्रोडक्ट लिस्टिंग करवा रहा था तो सब जब वो प्राइस का और आया था कि वहाँ प्राइस का एक आया था कॉलम और एक आया था क्वांटिटी का कॉलम, मैंने एक लंबी चौड़ी कहानी सुनाई थी, एक ओवन आई थिंक से खरीद लिया था और एक टी शर्ट ही प्रोडक्ट लिया था, तो मैंने बताया था कि क्वान्टिटी और प्राइस एक दूसरे से इंटरलिंक कैसे करते हैं, होप से सबको याद होगी, याद है वो बात? कैसे याद है? जी ठीक है, सेम वही बात हम यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे कि जब भी हम प्रोडक्ट हंट करेंगे तो हम लोगों ने अपनी प्रोडक्ट का साइज भी देखना है, प्रोडक्ट की सोर्सिंग की जो प्राइस है वो भी देखनी है, मार्केट में उस प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड भी देखना है, फिर ये भी देखना है कि मार्केट में मैं कितना जल्दी सर्वाइव कर सकता हूँ ठीक है, मुझे कितना खर्चा करना पड़ेगा एडवर्टाइजमेंट पर तब जाके मेरा नाम बनेगा मार्केट में, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, इन्वेस्टमेंट पर। नेक्स्ट होता है जो इसमें, जब भी हम कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे तो उसकी जो कैटेगरी होगी वो रिस्पेक्टिव कैटेगरी होनी चाहिए, कोई हम इररेलीवेंट कैटेगरी कभी भी प्रोडक्ट की सिलेक्ट नहीं करेंगे, ये पॉइंट है, ये आपको उस पर ज़्यादा समझ आएगी जब हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे ठीक है, जब प्रैक्टिकली काम करेंगे ठीक है। उसके बाद जो आते हैं हमारे पास थर्ड पॉइंट, हम वो चेक करेंगे कि प्रोडक्ट का मंथली रेवेन्यू कितना है, रेवेन्यू जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी इन्वेस्टमेंट पे डिपेंडेंट होता है, वो कैसे, लेट्स सपोज आप कहते हैं कि मुझे मंथली बेसिस पे 15 to 20,000 डॉलर की अर्निंग हो, ऑब्वियसली इट्स मीन कि आपको स्टार्ट में 15 to 20,000 डॉलर की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तब जाके आपका एक बैक एंड स्ट्रांग होगा, एक बिजनेस इस्टेब्लिश होगा और फिर जाके आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी, इट्स मीन पहले इन्वेस्टमेंट है। Amazon पे क्या होता है, अगर आप 15 to 20,000 डॉलर की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो फिर आप इन्वेस्ट करें 10 to 15,000 डॉलर, लेकिन मार्केटप्लेस अच्छी हो, प्रोडक्ट आपका अच्छा हो, आपका टर्नओवर अच्छा आएगा। अब यहाँ जब हम हंटिंग करेंगे प्रोडक्ट की, हम प्रोडक्ट्स को देखेंगे
पहले तो हमारा ये काम आ गया, मैंने बताया कि हम लोगों ने क्या चेक करना है, अपनी इन्वेस्टमेंट चेक करनी है, मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट को देखते हुए हमने ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढे जो हमें ज्यादा टर्नओवर दे रहे हैं। अब सम टाइम ऐसा होता है कि लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, एक ऐसा प्रोडक्ट है वही लेट्स सपोज एक टोपियों की बात कर लेते हैं, कैप्स, ठीक है, ये जो हम नमाज पढ़ते हुए पहनते हैं, इस कैप की बात कर रहा हूँ जो मस्जिद में अमूमन पहनी जाती है टोपी। लेट्स सपोज यहाँ पे आप में से कोई कहता है मैं वो प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ, अमेरिका में नया प्रोडक्ट होगा और मैं उस पर 15 या 20 हजार डॉलर इन्वेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ नहीं, मैं कुछ ऐसा प्रोडक्ट ढूंढता हूँ जो उस मार्केट में ज्यादा सेल हो, ठीक है, उस मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड हो, तो ऑब्वियसली मैंने भी 10 से 15 हजार डॉलर इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब मैं टर्नओवर देखूंगा कि मंथली मैं कितना कमाता हूँ, ऑब्वियसली जिसने आप में से किसी ने कोई टॉपिक जो सेल आउट कर रहे हैं, जिसने प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसका तो टर्नओवर जीरो ही होगा, मेरे प्रोडक्ट का टर्नओवर मे बी इंक्रीज हो जाए मेरी इन्वेस्टमेंट से, ठीक है, मे बी इक्वल हो, लॉस के चांस नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि मैंने हंटिंग मार्केट के अकॉर्डिंग की। तो इसमें हम क्या देखते हैं, टर्नओवर भी देखते हैं, टर्नओवर से हमें क्या अंदाजा हो जाता है कि ये प्रोडक्ट इस मार्केट प्लेस में कितना स्टेबल है, क्या इस मार्केट प्लेस में ये प्रोडक्ट इजीली बूस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। रेवेन्यू हम इस मकसद के लिए देखेंगे और रेवेन्यू से हमें इतना आइडिया हो जाता है कि हम कितनी इन्वेस्टमेंट करें, कितना टर्नओवर जनरेट कर सकते हैं। और जो सेलर बैठे हैं, हमें ये आइडिया हो जाता है रेवेन्यू को देख के कि जो सेलर बैठे हैं वो कितना कमा रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट साथ साथ नोट कर लिया, मैं स्लाइड्स बनाऊंगा लेकिन मैं स्लाइड्स पॉसिबिलिटी है वीकेंड पे बनाऊ अगर मेरी कोई मीटिंग कंडक्ट ना हुई तो, ठीक है, डेली की रूटीन में थोड़ा मेरे लिए टफ हो जाता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट बात कर रहा था मैं, फोर्थ पॉइंट है, आई थिंक सो, हाँ फोर्थ है, वो ये है कि आपने ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है जिस प्रोडक्ट की टर्न रेशो मतलब वापसी प्रोडक्ट की, वो कम से कम हो। हमेशा प्रोडक्ट हंटिंग में सिलेक्ट करेंगे इसकी टर्न रेशो कम हो, टर्न रेशो ऑब्वियसली किन प्रोडक्ट का ज्यादा होती है, जॉगर बूट्स में सिलेक्ट करता हूँ उसकी टर्न रेशो मेरे पास ज्यादा होगी, क्यों, कस्टमर खरीदते हैं मैंने वहां साइज लिखा हुआ है 7 वो जो भी है या 8 है या 9 है जो भी है साइज, मैंने वहां मेंशन भी किया हुआ है, पॉसिबिलिटी है उसे पूरा ना आए, उसे कलर पसंद ना आए, वो रिटर्न कर देगा। अमेज़न पे जो प्रोडक्ट रिटर्न हो जाता है आप उसे सेल आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपने क्या करना, उसे सेल आउट करने का एक लंबा चौड़ा मेथड है, ठीक है, दोबारा करना है, तो वो भी जब रिटर्न होगा तो डिपेंड करता है कि किस बेस पे रिटर्न हो रहा है आपका प्रोडक्ट, मतलब कि कोई प्रोडक्ट में एरर है या फिर कलर की वजह से या साइज की वजह से, तो उन पॉसिबिलिटीज को देखते हुए दोबारा रीसेल किया जा सकता है लेकिन बहुत रेयर केसेस होते हैं, ठीक है। रिटर्न तो शुरू में ही हमेशा प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे जिसके रिटर्न रेशियो ही कम हो। अब रिटर्न रेशियो से मुराद ये है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करना कि ठीक है अगर प्रोडक्ट में इतना आउट क्लास बना दो कि मेरी इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा हो जाए बदले में मुझे प्रॉफिट कम मिल रहा हो, अब ऐसी बात भी नहीं है। प्रोडक्ट ऐसा लेना है कि जो ठीक है मार्केट के अकॉर्डिंग चल रहा है, अच्छा है, ठीक है, उसकी जो मार्केट में क्वालिटी चल रही है वही रखेंगे हम लोग। लेकिन ये है कि ऐसा प्रोडक्ट लाइक कटिंग बोर्ड है, एक प्रोडक्ट कोई खरीदता है, ठीक है, उसे मतलब देखे उसने प्रोडक्ट सही है, काटता है, ठीक है, सही चल रहा है, वर्किंग हो रही है, कलर चाहे पिंक है चाहे ब्लू है, साइज में भी एडजस्टमेंट हो जाती है, चल जाएगा। लेकिन जूते का ये सीन नहीं होता, जूते उसे पहने नहीं पूरा आया, चाहे थोड़ा वो छोटा बड़ा, वो ये नहीं करेगा यार थोड़ा सा बड़ा है तो खैर है मैं चला लूँ, नहीं थोड़ा सा भी बड़ा हो गया तो रिटर्न कर देना, कटिंग बोर्ड में खैर है थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया तो एडजस्टमेंट हो जाती है, मतलब ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे जिसमें रिटर्न रेशियो कम से कम हो, ठीक है। वो नेक्स्ट आगे मैं कैटेगरीज बताऊंगा, ठीक है, वो भी नोट डाउन कर लेंगे। कुछ ऐसे कैटेगरीज हैं जिनमें हम नहीं जाते, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें हम लोग नहीं जाते, ठीक है। उसके बाद हम जो भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, वो सीजनल नहीं होना चाहिए। ऑर्डर सीजनल मीन कि वो किसी एक खास सीजन के लिए, लाइक सर्दियों का प्रोडक्ट है तो गर्मियों में नहीं बिके, गर्मियों का तो सर्दियों में नहीं बिके, ठीक है। कोई ऐसा वो प्रोडक्ट है कि जो मॉडरेट टेम्परेचर के लिए हो, गर्मियों सर्दियों जब ज्यादा हो तो वो ना बिके प्रोडक्ट, नहीं हम ऐसा प्रोडक्ट ले लेंगे, हम ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे जो पूरा साल बिकने वाला हो प्रोडक्ट, ठीक है, जैसे सदाबहार बोलते हैं, ठीक है, हम ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे। इसका फायदा क्या होता है, पूरा साल टर्नओवर जनरेट होता है, ठीक है।
थोड़ा कम हो जाए लेकिन पूरा साल हमारा चलता है। और जो सीजनल प्रोडक्ट होता है क्या होता है, 6 माह बिकते हैं, 6 माह आपके वेयर हाउस में पड़ा रहेगा, आपको अपनी जेब से पैसे देने पड़ेंगे अपने वेयर हाउस में इन्वेंट्री स्टोर रखने के लिए, अपने सेलर सेंटर को मेंटेन रखने के लिए जो $40 देते हैं। ठीक है, इसमें स्पेसिफिक कैटेगरीज हैं लाइक होम डेकोर वगैरह की, होम डेकोरेशन जो पीसेज होते हैं, ठीक है, ये मतलब ऑल सीजन के लिए होते हैं। इसमें ये नहीं होता कि गर्मियों में चलेंगे, सर्दियों में नहीं चलेंगे। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो चलते हैं, ठीक है, किचन से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, गैजेट्स होते हैं, वो चलते हैं। उसके बाद जो मेन फैक्टर है जो नेक्स्ट हमारा सोर्सिंग से भी रिलेट करेगा, वो मेन फैक्टर क्या है कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे हम अपना प्रॉफिट मार्जिन रखेंगे। मैं वेरी स्टार्ट में भी बातें कर रहा था, अंदर कुछ कुछ क्यूज दिए मैंने आप लोगों को कि हम अपना प्रॉफिट मार्जिन एटलीस्ट 30% रखते हैं। इस प्रॉफिट मार्जिन का मतलब क्या है कि मैंने एक प्रोडक्ट खरीदा है ₹10 में, एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, ₹10 में प्रोडक्ट खरीदा है, मैं आगे उसे 8 या 9 रुपए में नहीं बेचूंगा। मैं प्रोडक्ट ₹10 का खरीदा है, मेरे उसके वहां से जहाँ जिस शॉप से मैंने खरीदा है वहां से घर तक लाने में भी मेरा खर्चा हुआ है ₹2 का, ₹12 का पड़ गया, ठीक है। फिर मैंने वो एक दो दिन रखा, कुछ ऐसा प्रोडक्ट था कि मुझे उसकी केयर करनी पड़ी, लेट्स सपोज, या मतलब ऐसी जगह रखा जहाँ मुझे उसके चार्जेस देने पड़े, ₹15 में पड़ गया। अब वो हालांकि प्रोडक्ट तो ₹10 में था, आपको ₹15 में पड़ गया, अब वो प्रोडक्ट 10 में नहीं सेल आउट कर सकते, लॉस में जाओगे। एटलीस्ट आपको प्रोडक्ट ₹18 में देना पड़ेगा, 30% नहीं 30% कम हो जाएगा, हाँ अप्रोक्सीमेटली 18-19 रुपए का, ठीक है, या इससे कम, मतलब हद 20 रुपए कर लें, 20 रुपए का सेल आउट करना पड़ेगा, तब जाके आपका प्रॉफिट मार्जिन 5 रुपए का आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। मतलब वो प्रोडक्ट चाहे उसकी असल कीमत 10 रुपए थी, आपको 15 का पड़ा, आपने उस प्राइस से ज्यादा का देना है। सेम यही काम हम अमेजोन पे करते हैं, हम जब सोर्सिंग करवाते हैं, जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है सस्ता मैन्युफैक्चर होता है, लेकिन उसकी डिलीवरी चार्जेस, वेयर हाउस चार्जेस, पीपीसी कंप्लेन के चार्जेस, ठीक है, सेलर सेंटर के चार्जेस, इन सारे चार्जेस को मिला के जो प्राइस होती है मार्केट अकॉर्डिंग, वो मार्केट के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट की जाती है, ठीक है, फिर उस प्राइस पे हम प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं, ठीक है। एक ये मेथड होता है। दूसरा मेथड क्या होता है, मार्केट में प्राइस पहले देखी जाती है, ठीक है, जो आसान तरीका है, मार्केट में पहले प्राइस देखी जाती है कि प्रोडक्ट की प्राइस क्या चल रही है, ठीक है, लाइक 20-25 से $35 तक प्राइस चल रही है, $35 लेट्स सपोज समझे कोई एक प्रोडक्ट है उसकी $35 प्राइस चल रही है, आप लोग क्या करेंगे, वहां मार्केट में देख लिया कि $35 है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हंटिंग के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन थे, जो टूल्स पे करनी थी वो सारे कर दिए, लेट्स सपोज उस पर प्राइस देखी $35 है, अब क्या करेंगे, आप सेलर ऐसा ढूंढेंगे, सॉरी सोर्सिंग के लिए ऐसा सप्लायर ढूंढेंगे जो आपको सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके देगा। आपने वहां से प्रोडक्ट सस्ता और अच्छा, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं होगा, प्राइस अपस डाउन आ जाएंगी, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं। और सप्लायर हमारे पास नंबर्स ऑफ ऑप्शंस होते हैं, हम जो मर्जी सिलेक्ट कर लें, ठीक है, बेस्ट सप्लायर हम ढूंढेंगे, ठीक है, वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हम नेक्स्ट सोर्सिंग में पढ़ेंगे, बेस्ट सप्लायर कौन सा होता है, कैसे ढूंढने हैं, बला बला वो बाद की बात है। अच्छा सप्लायर ढूंढेंगे, उससे प्रोडक्ट सोर्स करवा लेंगे, प्रोडक्ट की मैनुफैक्चरिंग प्राइस कम हो जाएगी, शिपिंग प्राइस हमारी जो लगनी है वो ऑब्वियसली इन्वेंट्री के अकॉर्डिंग 1000 पीस है तो उसके अकॉर्डिंग होगी, 500 पीस है तो उसके अकॉर्डिंग होगी, वेट भी मैटर करता है प्रोडक्ट का, जो डायमेंशन होती है तो कितना लेंथी है, बल्कि कितना, वो चीजें मैटर करती हैं शिपिंग के लिए, उसके अकॉर्डिंग हमारी शिपिंग प्राइस में हो जाएगी डिसाइड, वेयर हाउस चार्जेस भी उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड हो जाएंगे। अब हमारी कोशिश क्या होगी कि हम ये सारा सारा जो प्रोसीजर है ना, प्रोडक्ट बनवाना भी, प्रोडक्ट शिप करवाना, वेयर हाउस चार्जेस भी, और सेलर सेंटर मेंटेन करना मतलब एडवर्टाइजमेंट चलाना, ये सारा काम हम सस्ते से सस्ता करें और अच्छा करें। हमारा मकसद बेसिकली ये होता है, मकसद क्या है कि सस्ता खरीदें प्रोडक्ट महंगा बेचें, ठीक है। तो इसके लिए आपका प्रॉफिट मार्जिन कम से कम, वो जो डेड लाइन होती है ना वो 30% है, उससे ऊपर जितना करेंगे वो जितना गुड़ उतना मीठा होगा, ठीक है। ये चीजें थी कुछ। उसके बाद मैंने आप लोगों को टूल्स का बताया था कि हम बेसिकली 3 टूल्स पे काम करेंगे, हीलियम 10, जंगल स्काउट, वायरल लॉन्च। जो सबसे बेस्ट है वो हीलियम 10 है, ठीक है, हम
उस पर ज्यादा टाइम लगाएंगे। उसके बाद जो मेरा फेवरेट है वो वायरल लॉन्च है, ये चीज़ें ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जब हम इस पर वर्किंग करेंगे इंशाल्लाह कल नहीं तो परसों, तो लास्ट में हम टूल्स पे वर्किंग स्टार्ट कर देंगे। इसलिए जो पहली चीजें समझा रहा हूँ मैं, टूल्स पे वर्किंग करने से पहले समझना जरूरी है, तब जाके हम टूल्स पे वर्किंग कर सकेंगे। अदरवाइज टूल्स पे वर्किंग करने का फायदा कोई नहीं होता। सॉफ्टवेयर है, आप लोग जो मोबाइल यूज कर सकते हैं ना, जिसे व्हाट्सएप फेसबुक यूज करनी आती है, वो सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकता है। ये अमेज़न का हीलियम वायरल लॉन्च जंगल स्टोर सॉफ्टवेयर बहुत आसान है, लेकिन जब आपको वो क्राइटेरिया ही ना बनाना है, जब आपको पता ही ना कि प्रोडक्ट कैसा हंट करना है, किस कैटेगरी से हंट करना है, किस कैटेगरी से नहीं करना, कौन कौन सी चीजें मैच करनी है, कौन कौन सी चीजें इंटरलिंक करनी है, तो फिर उन सॉफ्टवेयर को यूज करने का फायदा। इस वजह से ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। और ये कोई आम बातें नहीं है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं। जब हम वहाँ पे चलेंगे टूल्स पे, फिर आपको अंदाजा होगा कि तब मैं क्या कह रहा था, ठीक है। उसके बाद गेटेड प्रोडक्ट का किसी को आइडिया है, गेटेड प्रोडक्ट होते क्या, किसी को कोई आइडिया? ये सर आपने बताया था ना, गेटेड प्रोडक्ट्स लाइक मेडिसिन हो गई, और इसके अलावा अल्कोहल हो गई, और जिसमें जो बैंड प्रोडक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। सर आप जी, जी सर आपने कहा था, जी जी सर आपने बताया था, जिन प्रोडक्ट्स के लिए सर हमें गवर्नमेंट या फिर अमेज़न से एनओसी लेना पड़े सर, वो वाले गेटेड होते हैं। जी एग्जैक्टली, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स अमेज़न पे हैं, ठीक है, और इवन फिजिकल बिजनेस में भी होते हैं, जिनके लिए हमें गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है। हम अपनी मर्जी से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवा के सेल आउट नहीं कर सकते। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कटिंग बोर्ड में सेल आउट करना चाहता हूँ अमेज़न से हट के, मैं शॉप बनाना चाहता हूँ, मैं कहीं से भी मैन्युफैक्चर करवाऊँ, मैं सेल आउट करना शुरू कर दूँ, इससे गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मुझ पर कोई ये जो टीम्स होती हैं, ठीक है, जिस तरह हमारे पास इंसाफ फाउंडेशन या इस तरह के हैं जो चेक एंड बैलेंस कर रही होती है कस्टम वाली, वो मुझ पर कोई रूल इंप्लीमेंट नहीं कर सकती, ठीक है, मुझ पर कोई फाइन नहीं कर सकती, क्यों? प्रोडक्ट ऐसा है, ठीक है, मैं जहाँ से मर्जी मैन्युफैक्चर करवाऊँ सेल आउट कर दूँ। यहीं पर अगर मैं कोई मेडिसिन की कंपनी बनाता हूँ, मुझे पहले रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, मुझे NOC लेनी पड़ेगी, तब जाके मैं मेडिसिन मैन्युफैक्चर कर सकता हूँ या तब जाके मैं मेडिसिन सेल आउट कर सकता हूँ। सेम ही काम हम अमेज़न पे करते हैं कि जब भी हमें कोई प्रोडक्ट सेल आउट करना हो, जो गेटेड प्रोडक्ट हो, उसके लिए हमें पहले NOC लेना पड़ता है, ठीक है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्ट देनी पड़ती है, वो अप्रूव होता है, अप्रूव होने के बाद हम सेल आउट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। आसान मिसाल के साथ समझाऊँ, अगर आसान तरीन एग्जाम्पल से समझाऊँ, अगर हमें अगर लेट्स से मैं कहता हूँ मुझे बाइक सेल आउट करना है अमेज़न पे, अमेज़न पे सुई से लेके जहाज तक सब कुछ सेल हो सकता है, ठीक है, लेकिन फर्क कहाँ आ जाता है कि आप सेल करने वाले बनो, आप जहाज भी सेल आउट कर सकते हो। मैं बाइक सेल आउट करना चाह रहा हूँ, लेट्स सपोज करना कहाँ चाह रहा हूँ, यूके में। यूके में बाइक्स की कोई कंपनीज नहीं होंगी क्या? ऑब्वियसली है और बहुत बेस्ट है, लेकिन मैं सोर्सिंग कहाँ से करूँगा? चाइना से सोर्सिंग करूँगा। सेल आउट कहाँ करना है? यूके करना है। अब ये जो प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, एक मशीन है, गेटेड प्रोडक्ट है, मैं विदाउट रजिस्ट्रेशन मैं इसे सेल आउट नहीं कर सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा? अमेज़न से NOC चाहिए होगा, गवर्नमेंट से भी परमिशन चाहिए होगी, यूके की गवर्नमेंट से। वो मेरे प्रोडक्ट का सैंपल लेंगे, चेक करेंगे, उसके बाद अप्रूव करते हैं तो ठीक है, नहीं करते रिजेक्ट करते हैं तो भी उनकी मर्जी, लेकिन वो टेस्ट करेंगे, उसके चार्जेस मेरे अलग, अप्रूवल के चार्जेस अलग, अमेज़न से NOC के चार्जेस अलग। और बाद में आपको क्या लगता है कि वो प्रोडक्ट मेरे अप्रूव कर देंगे? मैं सोर्सिंग कहाँ से करवा रहा हूँ? चाइना से सोर्सिंग करवा रहा हूँ, और सेल आउट कहाँ कर रहा हूँ? यूके में। तो ऑब्वियसली ऐसे प्रोडक्ट्स कुछ होते हैं जो गवर्नमेंट चाहती है उस कंट्री की कि वो प्रोडक्ट इम्पोर्ट ना करे, ठीक है। लाइक जैसे अब वहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, उन्हें क्या जरूरत है कि पाकिस्तानी सेलर चाइना से मोटरसाइकिल या बाइक्स वगैरह मैन्युफैक्चर करवा के वहाँ सेल आउट करें? वहाँ मेरी ये मार्केट फ्लॉप हो जाएगी, मेरा प्रोडक्ट फ्लॉप हो जाएगा। गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि उसकी अपनी इंडस्ट्रीज जो है वो लॉस में आए, ऑब्वियसली वो चाहेंगे कि वहाँ से ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो और एक्सपोर्ट हो।
ये चीजें कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो वहाँ की गवर्नमेंट को मतलब गवर्नमेंट हमें ऑथोराइज नहीं करती, अमेज़न को इश्यू नहीं करता, ठीक है, तो ये भी गेटेड में इंक्लूड होती है। उसके बाद सोप्स वगैरह की बात करें या कुछ मेडिसिन वगैरह की बात करें तो गेटेड कैटेगरीज में आती हैं, आप सेल आउट कर सकते हो। मैं बात अगेन कर रहा हूँ, गेटेड प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो विदाउट परमिशन सेल आउट नहीं किए जा सकते। मैंने ये नहीं कहा कि सेल ही नहीं कर सकते, सेल कर सकते हैं लेकिन विदाउट परमिशन नहीं कर सकते, ठीक है। और मेरा मोबाइल बंद होने वाला था, 2% बैटरी थी वो लगाया, चार्ज नहीं हो रहा था। अच्छा, गेटेड प्रोडक्ट की बात करते हैं, मैं परमिशन के साथ आप सेल आउट कर सकते हो, विदाउट परमिशन सेल आउट नहीं कर सकते। कुछ कैटेगरीज में आप लोगों को बताऊंगा, ये नोट डाउन कर लीजिएगा जो गेटेड कैटेगरीज है, ठीक है। इनमें सबसे पहले आ जाती है ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स कैटेगरी, उसमें बाइक्स वगैरह से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी आ जाती है मशीनरी वो ऑटोमोबाइल्स में आती है, ये गेटेड है, ठीक है। उसके बाद बेबी, बेबी कैटेगरी कंप्लीट गेटेड नहीं है, इसमें कुछ आगे जब बेबी कैटेगरी में जाएंगे तो इसमें सब कैटेगरीज आएंगी, जो सब कैटेगरी जो हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है, जो डायरेक्टली बेबी की हेल्थ से रिलेटेड है वो गेटेड होंगी, जो टॉयज वगैरह हैं जो डायरेक्टली बेबी की हेल्थ को इम्पेक्ट नहीं करते वो अनगेटेड है, लाइक सोप्स वगैरह है या बेबी लोशन टाइप समथिंग, ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं वो गेटेड है, उनकी सिर्फ अमेजोन से एनओसी चाहिए, आपको गवर्नमेंट से ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। और मैन्युफैक्चरर से प्रॉपर डिटेल चाहिए कि ये मैन्युफैक्चर कैसे हुए, इसमें केमिकल कौन कौन से यूज हुए, उसके बाद सेल आउट कर सकते हैं। बाकी जो टॉयज वगैरह, ठीक है, ये जो मिनी कार्स वगैरह होती है या कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बेबी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। और जो बेबी कैटेगरी का फिजिकली भी अगर बिजनेस बताऊं तो जो पैम्पर्स हैं इसका बिजनेस बहुत बेस्ट चल रहा है, ठीक है। जो डाइपर्स होते हैं इनका बिजनेस वो कैसे है कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग अगर चाइना से जिसे करनी आती है, चाइना से जिसे सोर्सिंग करनी आती है, वो चाइना से प्रोडक्ट सोर्स करवाए, रैंडमली उन्हें कह के ये मुझे मैन्युफैक्चर करके दो, ये आपको आई थिंक सो 0.01 सेंट में एक डाइपर पड़ेगा, ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 15 से 20-25 डाइपर $1 में, ठीक है, या मे बी इससे भी ज्यादा, $1 में 20-25 डाइपर, और यहाँ पे ये आराम से 30-40-50 तक चला जाते हैं। वहां से मैन्युफैक्चर करवाए, पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में अपने ब्रांड के वो बैग्स वगैरह बनवा ले, शॉपर्स वगैरह बनवा ले, पैक के सप्लाई कर दे होल सेल पे, अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन कोई इनिशिएटिव लेने वाला हो तो ये बिजनेस भी बहुत अच्छा, इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम अगर कोई करना चाहे इसमें स्टार्ट में 50,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम 50,000 से कम भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ अगर कोई ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो मैक्सिमम 50,000। उसके बाद हेल्थ और हाउस होल्ड से रिलेटेड, अब हाउस होल्ड में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जो डायरेक्टली हमारी हेल्थ को इफेक्ट कर रहे होते हैं, वो गेटेड कैटेगरीज में आ जाएंगे। ब्यूटी से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो डायरेक्टली मेकअप पूरी है, मेकअप जो ब्यूटी से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, अब कुछ ऐसे होते हैं लाइक विग्स वगैरह, एक फीमेल्स लगाती हैं सर पे विग्स वगैरह हो जाती हैं, वो आपकी हेल्थ को इफेक्ट नहीं कर सकते, वो कुछ ऑप्शनल है ऐसे, ठीक है, प्रोडक्ट्स जिन्हें आप लोग कर सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं। लेकिन बाकी जितने भी लिपस्टिक हो गया, वो जो पाउडर्स वगैरह लगाती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो गेटेड हैं, सेल आउट करने के लिए अमेजोन से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप लोगों को लेना पड़ेगा। टॉयज एंड गेम्स की बात करें तो कुछ ऐसे टॉयज होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, जिनमें बैटरीज वगैरह यूज होती हैं, और स्पेशली जो लिथियम बैटरी यूज होती है वो टॉयज गेटेड हैं, आप लोग वो सेल आउट नहीं कर सकते। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक गेम्स हैं, ठीक है, मिनी इलेक्ट्रॉनिक गेम्स जिसमें सेल वगैरह यूज हो रहे हैं तो चल जाती हैं, जिनमें कार्बन बैटरीज हैं,
लेकिन लिथियम बैटरीज वाली गेटेड होंगी। उसके बाद जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से मुराद जो डायरेक्टली आपकी हेल्थ को इफेक्ट करेंगे, जो केमिकली सिंथेसाइज प्रोडक्ट हैं, अगर आसान तरीन अल्फाज में बताऊँ तो इंडस्ट्रियल सारे प्रोडक्ट इंडस्ट्री में बनते हैं, लेकिन ऐसे प्रोडक्ट जो केमिकली सिंथेसाइज हैं वो गेटेड कैटेगरीज में आएंगे। उसमें डिफरेंट मेडिसिन आ जाती हैं, डिफरेंट कुछ ऐसी फ्रेगनेंस आ जाती हैं, ठीक है, जिनके लिए एनओसी चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक के जितने भी प्रोडक्ट हैं, आयरन से लेके ओवन, रेफ्रिजरेटर, डिफरेंट प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो भी हैं वो गेटेड हैं, सेल आउट कर सकते हैं अनगेटेड करवा के, लेकिन गेटेड हैं। और उसके बाद जो लास्ट पे आता है फूड कैटेगरी से रिलेटेड, फूड के जितने भी हैं, हाँ फूड एक सीन में एक तरीके में आप लोग कर सकते हैं सेल आउट। वो मेथड क्या है जी, कि आपका इतना बड़ा ब्रांड होना चाहिए लाइक KFC, मैकडोनल्ड, कि हर शहर में आपकी 2-3 ब्रांचेज हो। जैसे ही अमेजोन पे ऑर्डर है आप विद इन 30 मिनट डिलीवरी कर दें, फिर तो चल सकता है फूड का। लेकिन अगर इनके मैं पाकिस्तान बैठा हूँ, मेरा ब्रांड ऑनलाइन ही है सिर्फ, फिजिकली इसकी कोई ब्रांच नहीं है, तो मैं नहीं सेल आउट कर सकता। क्यों? क्योंकि फूड कैटेगरी जो है इसकी लाइफ टाइम कितनी होती है, फूड के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं मैक्सिमम कुछ ऐसे हैं जिनकी 1-2 दिन होती है, कुछ ऐसे हैं जिनकी हफ्ता होती है, कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐसे हैं जिनकी कुछ माह होती है, ठीक है। उसके बाद उनकी वो जो विल पावर होती है, जो भी इनकी एनर्जी होती है, वो कम होना शुरू हो जाती है। तो मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स हम लोग सेल आउट नहीं करते। ये कुछ कैटेगरीज थी जिसमें बेबी थी, ऑटोमोबाइल्स थी, इलेक्ट्रॉनिक्स थी, टॉयज एंड गेम्स की थी, ब्यूटी की थी, हाउस होल्ड की थी, इंडस्ट्रियल या केमिकली सिंथेसाइज प्रोडक्ट की थी, इलेक्ट्रॉनिक्स की थी, ठीक है, एंड पे फूड की। ये कैटेगरीज हैं, ये गेटेड हैं टोटली। इन कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स को हम टच नहीं करेंगे। हाँ कुछ एक्सेप्शनल केसेस होंगे, वो जब हम फर्दर मार्केट में जाएंगे तो बताऊंगा। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, हम चले जाते हैं। अब ये गेटेड प्रोडक्ट से वर्चुअल असिस्टेंट को मना क्यों किया जाता है? क्यों? क्योंकि हालांकि ये ऐसे प्रोडक्ट्स, इनमें फायदा भी बहुत होता है। ये गेटेड प्रोडक्ट्स, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं इनमें फायदा भी बहुत होता है, लेकिन फिर वर्चुअल असिस्टेंट को मना क्यों किया जाता है? वर्चुअल असिस्टेंट को इस वजह से मना किया जाता है गेटेड प्रोडक्ट्स में जाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसके पास जो भी क्लाइंट आता है, उसके क्लाइंट का एम क्या होता है, उसके क्लाइंट का मोटो क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट में कम करूं, मुझे टर्नओवर जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा मिले। गेटेड प्रोडक्ट में काम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग करवानी पड़ती है, अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, उसके बाद जाके आपका प्रोडक्ट लॉन्च होता है। उसके बाद जब आप सेल आउट करते हो तो गेटेड प्रोडक्ट है, उसे अनगेटेड करवाने के लिए आपकी अच्छी खासी ब्लीडिंग होती है, आपका अच्छा खासा पैसा पानी की तरह बहता है। फिर जाके आपका प्रोडक्ट को अप्रूवल मिलते हैं, वो भी ऑप्शनल होता है, मिले या ना मिले। मिल गया तो फिर ये है कि कुछ टाइम बाद, 2-3-4 माह बाद आपका जो टर्नओवर आता है वो फिर आपके पैसे पूरे हो जाते हैं, लेकिन टाइम टेकिंग होते हैं। ये वही बंदा कर सकता है जिसका बैक एंड बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। ये जो न्यू कमर्स होते हैं वो नहीं कर सकते। इस वजह से वर्चुअल असिस्टेंट को कहा जाता है कि इन प्रोडक्ट्स अवॉइड करें, इनमें ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है, इन प्रोडक्ट्स में, इन प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है, और फिर ये टाइम टेकिंग बहुत होता है। और जो वर्चुअल असिस्टेंट है उसने अपनी रेपो बना ली है, उसकी कोशिश होती है जल्दी से जल्दी नाम बनाए, ठीक है, तो इसकी कैटेगरी से आप लोगों ने अवॉइड करना है। उसके बाद कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो इन कैटेगरी से बिलोंग ना भी करें तो हम उनसे अवॉइड करते हैं, ठीक है। कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। मैंने पहली स्लाइड में बताया था कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास 500+ मिलियन प्रोडक्ट है, आई थिंक 6 मिलियन थे, 500+ मिलियन प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो इसलिए परेशान होने की बात नहीं है कि मैंने 4-5 कैटेगरीज बता दिए तो समझो प्रोडक्ट्स खत्म। जब हम मार्केट में जाएंगे पता नहीं कितनी कैटेगरीज हैं वहाँ। गेटेड प्रोडक्ट को याद रखने के लिए सिंपल सा फार्मूला ये है कि जो भी केमिकली सिंथेसाइज प्रोडक्ट है आपकी हेल्थ को इफेक्ट करता है या इलेक्ट्रॉनिकली है प्रोडक्ट, वो गेटेड है। आसान सा फार्मूला, केमिकली सिंथेसाइज हैजर्डियस टू हेल्थ, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी से, ये गेटेड प्रोडक्ट है, आसान फार्मूला।
जब प्रोडक्ट्स देखेंगे तो आपको देखते साथ अंदाजा हो जाएगा कि यार ये गेटी डे से नहीं देना, इस पे मैं एनालिसिस करके टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं दूसरे प्रोडक्ट पे जाता हूँ। अगर ये चीजें आज डिस्कस ना होती तो वहाँ प्रोडक्ट जब हम देख रहे होते हमें ना पता होता कौन सा गेटी डे कौन सा अनगेटी डे। हम पूरा एनालिसिस करने के बाद 4-5 दिन उस एक प्रोडक्ट पे मेहनत करने के बाद एंड में पता लगता कि नहीं जी ये गेटी डे, फिर सारी मेहनत पे पानी फिर जाता। इस वजह से ये सारी चीजें पहले जानना जरूरी है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स और हैं जिनसे हम अवॉइड करेंगे, वो प्रोडक्ट क्या है, ओवरवेट। हम ऐसा प्रोडक्ट नहीं सिलेक्ट करेंगे जिसका वजन 2 किलो से ज्यादा होता है, ठीक है, मैक्सिमम 2.5 kg हो सकता है। ये अभी जो मैं आपको बताऊंगा ये फ्लेक्सिबल क्राइटेरिया है, ठीक है, कि इसमें थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो सकती है, ठीक है, 2 kg की जगह 2.5 kg हो सकता है। अब 2 kg doesn't mean 10 kg, 2 kg doesn't mean 14 kg, 2 किलो नहीं तो यार 3 किलो, लेकिन प्रोडक्ट मे भी अच्छा हो, उसका टर्नओवर, उसका रेवेन्यू अच्छा आ रहा हो, 2 की बजाय 3 हो सकता है, 2 की बजाय 10 नहीं हो सकता, 2 की बजाय 14 नहीं हो सकता, 2 की बजाय 3 हो सकता है, 2 की बजाय 2.5 हो सकता है, ठीक है। वेट जितना कम से कम होगा उतना फायदा होगा। मैंने वेरी स्टार्ट में प्राइस और क्वांटिटी में बताया था ये फर्क, क्वांटिटी आपकी उस वक्त ज्यादा हो सकेगी जब वेट कम होगा, जब वेट कम होगा ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग प्राइस कम होगी। तो ये सारी चीजें, वो सारी बातें भी याद रखनी है हंटिंग में जो हमारी लिस्टिंग के दौरान भी होंगे। ओवरवेट नहीं होना चाहिए। यूएस या यूके मार्केट के लिए आपके प्रोडक्ट का वजन 2 किलो से ज्यादा ना हो, रिकमेंडेड यही है, लेकिन थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन होती है वो मैं बता चुका हूँ। उसके बाद आपका प्रोडक्ट ऐसा ना हो जो इजीली ब्रेकेबल हो, लाइक पूरा प्रोडक्ट इतना कमजोर है ग्लास से ना बनाओ जो डिलीवरी के दौरान ही टूट जाए, ठीक है, इतना कमजोर प्रोडक्ट ना हो आपका। ऐसा प्रोडक्ट जो आपकी हेल्थ को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहा हो उससे अवॉइड करें, ठीक है। और उसके बाद ऐसा प्रोडक्ट जिसमें लिथियम आई जी लिथियम बैटरीज यूज हो रही है, उस प्रोडक्ट के नजदीक नहीं जाना, चाहे वो गेटेड कैटेगरी से है या अनगेटेड कैटेगरी से है। उसके बाद ऐसा प्रोडक्ट जिसमें मल्टीपल वेरिएशन हो, मल्टीपल वेरिएशन मतलब बहुत ज्यादा साइजेस हो, बहुत ज्यादा कलर्स हो, ऐसे प्रोडक्ट से भी हम अवॉइड करते हैं, ठीक है। अब लाइक टी शर्ट की बात करता हूँ मैं, टी शर्ट की मैं 3 कैटेगरीज की बात करूंगा, एडल्ट्स, चिल्ड्रन और एल्डर्स। एल्डर्स जो होते हैं वो मैक्सिमम 2-3 कलर ही पहनते हैं, ब्लैक व्हाइट, ठीक है, और बहुत हुआ तो ग्रे, ठीक है, मतलब इस तरह के कलर्स। उनके ज्यादा ये नहीं होता कि यार थोड़ा अट्रैक्टिव कलर हो, गुड लुकिंग कलर हो, नहीं, ठीक है, उनका मकसद पहनने है तो बस वो यही ब्लैक व्हाइट या ग्रे या इस तरह के कलर ये पहन लेते हैं। उनकी कैटेगरी में उनकी जो एल्डर्स हैं उनके तो चले टी शर्ट में जो वेरिएशंस होंगी कम से कम होंगी, सबसे कम उनकी वेरिएशंस होंगी, कि वो कम ही कलर ऐसे होते हैं जो डिसेंट से कलर हो वो ही पहनते हैं। अगर हम अडल्ट की बात कर लें, अगर अडल्ट की प्रोफेशन के अकॉर्डिंग देखें तो उनके भी कलर जो होते हैं प्लेन होते हैं, बहुत ज्यादा डार्क नहीं होते, बहुत ज्यादा लाइट नहीं होते, ऊपर वो फूल वगैरह डिजाइन वगैरह नहीं बने होते, ठीक है, नॉर्मल होते हैं, अट्रैक्टिव कलर होते हैं, ठीक है। उनकी कैटेगरीज, उनकी जो वेरिएशन है एज कम्पेयर टू एल्डर थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, उनमें डिफरेंट कलर आ जाएंगे। लेकिन चिल्ड्रंस की बात करें तो वहाँ पे मल्टीपल कलर है, चिल्ड्रंस को ये इफेक्ट नहीं होता कि उस पर फूल कौन सा है, उसका कलर कौन सा है, ठीक है, पिंक है, येलो है, ग्रीन है, ऑरेंज है, पर्पल है, व्हाटएवर जो भी कलर है उनका चल जाएगा। तो मतलब उनकी सबसे ज्यादा वेरिएशन किस में आ जाएंगी, टी शर्ट की प्रोडक्ट की कैटेगरीज में, चिल्ड्रन में, एल्डर में थोड़ी सबसे कम होंगी, जो होगा अडल्ट उसकी दरमियानी होंगी, मॉडरेट होंगी। अगर मैं टी शर्ट सेल आउट कर रहा हूँ चिल्ड्रंस की, ऑब्वियसली मैं नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि इसमें मल्टीपल वेरिएशन है, उसकी रिटर्न रेशियो ज्यादा से ज्यादा होगी। मैं प्रोडक्ट कर देता हूँ, मैं सोर्सिंग करवा लेता हूँ, लॉन्च कर देता हूँ। अब एक ने प्रोडक्ट खरीदा जी, बच्चे का टी शर्ट पिंक खरीदी, पहनी, उसे नहीं पसंद आई, रिटर्न, जी मुझे कलर पसंद नहीं आया,
किसी ने ऑर्डर किया जी ऑरेंज कलर, मेरे पास ऑरेंज कलर था नहीं क्योंकि मेरे पास इन्वेस्टमेंट इतनी थी कि मैं 5 से 6 वेरिएशंस रख सकता हूँ, उससे ज़्यादा रख नहीं सकता, लेकिन इसमें तो वेरिएशंस मल्टीपल हैं। अब उसने कोई ऐसी टी शर्ट ऑर्डर की जो मेरे पास थी नहीं, तो मतलब ये इश्यूज आ जाते हैं। प्रोडक्ट ऐसा खरीद रहे हैं जिससे आप कंट्रोल भी कर सको, और ज़्यादा से ज़्यादा अभी वेरिएशन ज़्यादा होंगी, आपको इसमें ज़्यादा बाय करने पड़ेंगे, मैनुफैक्चरिंग ज़्यादा से ज़्यादा होनी पड़ेगी हर वेरिएशन के प्रोडक्ट मैनुफैक्चर करवाने हैं। फिर बहुत बड़ा आपका आपका स्टोर बहुत बड़ा हो जाएगा, आपके लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, हैंडल से मुराद उसकी इन्वेस्टमेंट वगैरह का, तो अगर इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है तो आप जा भी सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने बताया था वेरी स्टार्ट में, फ्लेक्सिबल क्राइटेरिया, आप जा भी सकते हैं इन्वेस्टमेंट अच्छी है तो, लेकिन एज अ वर्चुअल असिस्टेंट अवॉइड करेंगे। क्यों अवॉइड करेंगे? क्योंकि आपने ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना होता है जिसपे इन्वेस्टमेंट कम हो, टर्नओवर ज्यादा हो। ठीक है, मल्टीपल वेरिएशन से सिंपल बात है, आप लोगों ने अवॉइड करना। उसके बाद हमारा हो चुका था पेटेंट क्या होता है, हम बात कर चुके थे पेटेंट के फिर दो टाइप से, पेटेंट बाय यूज, पेटेंट बाय डिजाइन। माइक्रो पीएल भी हो चुका था, रैपिड लॉन्च भी हो चुका था। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। सर ये परफ्यूम्स भी गेटेड होंगे या वो अनगेटेड होंगे? जी मैंने बताया था कुछ ऐसे फेमस ब्रांड्स हैं। ठीक है, अगर सेम उन ब्रांड के साथ आप मीटू करते हैं फिर तो सेल आउट कर सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग फिर आपको खुद नहीं करवानी पड़ेगी, फिर आप उस ब्रांड से वो प्रोडक्ट बाई करेंगे, वो जिस मर्जी प्राइस में दे। ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर सकते हो। अगर इनकेस आप खुद मैन्युफैक्चर करवाते हो, खुद अपना ब्रांड लॉन्च करते हो, फिर आपको Amazon को देनी पड़ेगी, गवर्नमेंट से नहीं परमिशन लेनी पड़ेगी, Amazon से NOC लेना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरर्स से सारे डिटेल लेनी है, कौन कौन से केमिकल यूज हुए, क्या क्या उनकी कंसेंट्रेशंस थी। ठीक है, कौन कौन से फार्मूला यूज किए हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आप Amazon को सेंड करोगे अपनी रिपोर्ट, फिर Amazon NOC देगा अगर, तो फिर आप सेल कर सकते हो। गेटेड कैटेगरी में गेटेड है। ओके सर। ठीक है, और उसके बाद एक और आप लोगों ने काम करना है कल से पहले पहले, कल मैं आप लोगों को क्राइटेरिया करवाऊंगा, तो उस क्राइटेरिया से पहले पहले एक काम मैं आप लोगों को करवा दूं, वो आप लोगों ने लैपटॉप्स पे है या मोबाइल्स पे है तो कोशिश करनी है वो आप लोग लगा लें। एक मैं एक्सटेंशन लगाने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट से बताऊंगा, मे भी कुछ लोगों को पहले से पता हो कि एक्सटेंशन कैसे लगाती हैं तो उनके लिए तो आसानी होगी, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिन्हें एक्सटेंशंस नहीं लगानी आती तो मुश्किल होगा। यहाँ पे देखिए, मैं अगर Amazon में जाता हूँ, ठीक है, और मैं इसकी सर्च बार में यहाँ टी शर्ट लिखा हुआ है, ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा नोट कीजिएगा, टी शर्ट आप लोगों के पास सिर्फ ये व्हाइट वाली जगह आ रही होगी। ठीक है, सजेशंस में सिर्फ ये व्हाइट वाला कॉलम आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे ये एक्सटेंशन जो होती है, ये एक्सटेंशन लगाने के बाद आप लोगों के पास ये जो है ये इंक्रीज हो जाता है। ये देखिए, पहले सिर्फ एक वाइट वाला कॉलम आ रहा था, अब मेरे पास पिंक है, सी ग्रीन है, इंडिगो कलर है ग्रे में, तो मेरे पास यहाँ पे सजेशंस एक्सपेंड हो गई है। ठीक है, ये है सॉफ्टवेयर, एक फ्री सॉफ्टवेयर है, आप लोग इसे लगा सकते हैं। इससे ये होता है कि हमें अपनी हेल्पिंग कीवर्ड्स ढूंढने में आसानी हो जाती है, हमें अपनी नीश ढूंढने में आसानी हो जाती है, हमें सर्च टर्म ढूंढने में आसानी हो जाती है, फ्री टूल है ये। ठीक है, डाटा एक्सटेंड कर देता है, देख लें, पहले सिर्फ ये वाइट वाले आने थे और अब यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 गुना ज्यादा मुझे कीवर्ड्स दिखा रहे हैं। लगानी कैसे आप लोगों ने, सिंपल है, गूगल में लिखे AMG Suggestion Expander, ठीक है, AMG Suggestion Expander पहली वेबसाइट है, इसमें जाएं, ठीक है, AMG Suggestion Expander की, सिंपल आप लोगों ने इस वेबसाइट को ओपन करना है जहां पे मेरा लिखा हुआ है रिमूव फ्रॉम क्रोम। चलिए मैं रिमूव करके दोबारा ऐड करता हूँ, रिमूव फ्रॉम क्रोम, अभी मेरी क्रोम पे यहाँ देखे पढ़ने लगी, वो जो 4 एरोज मैंने दिखाए थे खत्म हो गए। मैं ऐड टू क्रोम करता हूँ, चेकिंग होगी, ऐड एक्सटेंशन ऐड कर देनी है, यहाँ पे चेकिंग होगी, उसके बाद मेरा यहाँ पे आ जाएगा रिमूव फ्रॉम क्रोम, यहाँ पे देखिएगा
जी रिमूव फ्रॉम क्रोम हो गया, इधर सजेशन एक्सपेंडर इंस्टॉल होगी। ठीक है मैं इसे खत्म कर देता हूँ यहाँ से भी और यहाँ से भी, टोटली खत्म। मैं वापस आऊंगा थ्री डॉट्स पे, ठीक है यहाँ पे भी एक्सटेंशन का होता है, मोर टूल्स में जाके, मोर टूल्स में जाके यहाँ पे एक्सटेंशन का ये ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप ये एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेंगे, आपके पास ये हैमर टाइप, ये इसे मैं हैमर कॉल कर रहा हूँ, ये जो निशान है ब्लैक सा एक हथौड़ी टाइप है, तो इसलिए मैं इसे हैमर बोल रहा हूँ, अदरवाइज ये एक्सटेंशन का सिंबल है। ये सिंबल आप लोगों के पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब इसमें जाके यहाँ पे जो ए एम जी सजेशन एक्सपेंडर का आया है, ये देखें ये आया हुआ ए एम जी सजेशन एक्सपेंडर, इसे क्या कर देना है, पिन कर देना। जैसे ही पिन करेंगे यहाँ पे फोर एरोज नजर आ रहे होंगे आपको, ये जैसे मैं इसे अनपिन करूंगा वो एरोज खत्म हो जाएंगे, देखें। और अब यहाँ पे आ गए ये टॉप, ये इस तरीके से आप लोगों की एक्सटेंशन लग जाएगी। और ये एक्सटेंशन वर्क कहाँ करेगी, सिर्फ और सिर्फ अमेजोन की वेबसाइट पे, उसके अलावा और कहीं नहीं करेगी, ठीक है। अगर यहाँ पे लेट्स पे मैं और कुछ लिखता हूँ, हेलमेट, मुझे साथ साथ ये सजेशन दे रही है, ठीक है ये सारी सजेशन है, ये चीज इसका, ये काम आप लोगों ने कल तक कर लेने हैं। कल कुछ और टूल्स हैं वो करेंगे, कल हम क्राइटेरिया करेंगे डिफरेंट मार्केट प्लेसेस का, उस क्राइटेरिया को समझने, जितना हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, पीछे जो भी चीज थी ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी प्रोडक्ट से रिलेटेड, हमें कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट हमने लेना है, कौन सा नहीं लेना, कौन सा प्रोडक्ट हम ले तो फिर किस तरीके से उसे लॉन्च करना है, किस तरीके से लॉन्च नहीं करना, बेस्ट तरीका कौन सा है प्रोडक्ट को लॉन्च करने का। अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा, कॉमन बातें थी, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जिसे मैं क्राइटेरिया का नाम दे रहा हूँ, क्राइटेरिया, उसमें हम देखेंगे कि ठीक है हमें प्रोडक्ट का तो पता चल गया कि कौन कौन से प्रोडक्ट हम हंट कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट हम नहीं हंट करेंगे। अब जो प्रोडक्ट हम हंट कर सकते हैं उस प्रोडक्ट का रेवेन्यू क्या हो, उस प्रोडक्ट के कंपटीटर्स में आपस में उनका कैसा हो रिलेशन, उसकी सेल्स कितनी हो, प्रॉफिट कितना हो, रिव्यूज कितने हो, मार्केट में कितने अरसे से बैठा हो, रेटिंग क्या हो, ठीक है कितना टर्नओवर कर रहे हैं, पीपीसी पे कितना लगा रहे हैं, ये सारी चीजें हम लोग कंपटीटर्स की देखते हैं। फिर इन सारी चीजों को हम आपस में इंटरलिंक करते हैं, सारी चीजों को हम आपस में मैच करते हैं, फिर एक रिजल्ट निकलता है, उस रिजल्ट की बेस पे हम जाके कहते हैं कि ठीक है ये प्रोडक्ट सही है या नहीं है, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट हम काम करेंगे इंशाल्लाह या तो कल या परसों, वो वहां से हमारी असल हंटिंग स्टार्ट होगी। आसान है, बेहद आसान है, जो चीज हम पढ़ रहे हैं ये चीजें इंप्लीमेंट करनी है, लेकिन हर जगह इंप्लीमेंट नए तरीके से होती है, ठीक है। ये बिजनेस है, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट आ जाता है, किसी तरह का आ जाता है, ये चीजें उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट होंगी, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे जो चीज भी बता रहा हूँ ये फ्लेक्सिबल है, ये अपने रियलिस्टिक होके देखना है, ठीक है। जो क्राइटेरिया हम करेंगे वहां पे मैं गाइडलाइंस आप लोगों को बताऊंगा, वो क्राइटेरिया वो लकीर का फकीर नहीं है बनना, वहां पे मैं रिलैक्सेशन दूंगा कि इस लिमिट से नीचे नहीं जा सकते, इस लिमिट से ऊपर नहीं जा सकते, उस लिमिट के अंदर रह के आप जो मर्जी तरीका कर अपना या प्रोडक्ट बेस्ट छोड़ सकते हैं। बस उस तरीके से हम लोगों ने टूल्स पे वर्किंग करनी है, रिलैक्सेशन डिफरेंट क्राइटेरियाज अप्लाई करना है, एक क्राइटेरिया नहीं बनाना हम अपना क्राइटेरिया बनाना सीखेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट हंट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक प्रीवियस जो कुछ हो चुके है उसमें किसी का कोई क्वेश्चन या कोई क्यूरी है तो पूछ लें। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, जी चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज एवरीवन, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।